तो आखिर बॉलीवुड के भाईजान पठान में किस अवतार में दिखने वाले हैं? सलमान खान ने इस कैमियो के बारे में अपने शो बिग बॉस पर क्या कहा था, और क्या इस कैमियो से ये साबित हो जाएगा कि सलमान और शाहरुख की रंजिश की बात पूरी तरह से गलत है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, पठान के सेट से एक और बड़ी खबर आई है कि इस फिल्म में सलमान खान कैमियो करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, शाहरुख खान की आने वाली बड़ी फिल्म जो सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट किया है, वह एक्शन से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, शाहरुख खान को 3 साल बाद थिएटर्स में देखने की खुशी ही ऑडियंस को पागल बना रही है। पर दोस्तों, इस खुशी में एक और नई खबर है कि सलमान खान भी इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि सलमान खान का फेमस किरदार टाइगर इस फिल्म में थोड़े से वक्त के लिए नजर आएंगे। सलमान खान एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में टाइगर के रोल निभाते हुए काफी ज्यादा फेमस हुए हैं, और लोगों ने उनके इस किरदार को बहुत पसंद भी किया है। क्योंकि पठान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जो कि होगी एक्शन से भरपूर, इसलिए सलमान खान के टाइगर के किरदार को इस फिल्म में कैमियो के लिए चुना गया है। अब दोस्तों, काफी हफ्ते पहले ही सलमान खान ने मुंबई की फिल्म सिटी में टाइगर के रूप में अपने कैमियो की शूटिंग की है। तो दोस्तों, भाईजान ने बिग बॉस 14 के फिनाले में भी कंफर्म करते हुए कहा था कि बिग बॉस के खत्म होने पर ही वो जाएंगे अपनी फिल्मों की शूटिंग करने, जिसमें सबसे पहले पठान के कैमियो का शूट करेंगे, और दोस्तों उसके बाद टाइगर थी और फिर कभी ईद कभी दिवाली की। जैसे ही बिग बॉस के फिनाले पर सलमान खान ने बात कही, ऑडियंस तो जैसे एक्साइटमेंट के मारे पागल ही हो गई थी। तो दोस्तों, सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस कुछ इस तरह होने वाला है कि जिसमें वो शाहरुख खान की मदद करते हुए नजर आएंगे। अब पठान के विलन्स को मार गिराने में सलमान और शाहरुख की फाइटिंग सीक्वल में कितना बड़ा धमाका करती है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों, पठान में इस कैमियो की झलक से इन दोनों के बॉन्ड का भी नजारा देखने को मिलेगा। सलमान और शाहरुख बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स एक ही फिल्म में फाइटिंग सीक्वल में दिखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब दोस्तों, सलमान और शाहरुख का एक फिल्म में एक साथ होना ये भी दर्शाता है कि उन दोनों के बीच कोई भी रंजिश नहीं है, बल्कि काफी अच्छा संबंध है। तो दोस्तों, पठान से जुड़ी और बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज पर। हमारी आज की राइटर है मधुरिमा।